जिला सोलन में अधिकतर लोगों की आर्थिकी कृषि पर निर्भर करती है। बीते कई माह से बारिश न होने से इन दिनों लगी रबी की फसल तबाह होने की कगार पर है। जिला सोलन में इन दिनों गेहूं, ज्वार, लहसुन, मटर सहित अनेकों फसलें किसानों ने लगाई हैं। लंबे समय से बारिश न होने से ये फसलें खराब होने की कगार पर है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों में पानी से किसान अपनी फसलों की सिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन अब पानी भी सूख चुका है तो किसानों की फसलें तबाह हो रही है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए किसानों ने बताया कि बीते कई माह से बारिश न होने के चलते रबी की फसल सूखने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इन दिनों मटर, गेहूं, लहसुन, गोभी इत्यादि की फसलें बिना बारिश के तबाह होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि बारिश न होने के चलते किसानों को खासा नुकसान होगा। किसानों ने कहा कि सरकार सस्ती दरों व बीज व खरपतवार देकर किसानों की मदद करे। मैं एक किसान हूँ जी। बारिश न होने की वजह से इस टाइम पीने के पानी की भी किल्लत है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस टाइम कनक की फसल भी बहुत छोटी रह गई है इस टाइम, और सब्जियां हर चीज़ का भारी नुकसान हो रहा है, जो दो तीन महीने से बारिश ना होने की वजह से सूखे की मार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बारिश का सर बड़ा नुकसान हो गया हमारे, वो ही नहीं रही 3-4 महीने से बारिश ना जी, मटर खराब हो गए, सेब के लिए, लहसुन के लिए जो भी फसल थी वो हो ही नहीं रहा सर सब कुछ। अब तो सर नाले नूले भी सूख गए, किसी से नहीं क्या गुजारा करना, बड़ा नुकसान हो गया सर। आजकल जो है मटर है, कणक है, सरसों है, पर जो मटर की फसल भी है वो 5-6 महीने की जो बारिश नहीं हुई उसके कारण सारी ख़राब हो गई। बीज का भी पैसा नहीं, लेबर का भी कोई पैसा नहीं मिल रहा, जिम्मेदार बिल्कुल घाटे में जा रहा है और कमाई का साधन कोई है नहीं। पानी जब बारिश नहीं है तो घास पात भी ख़त्म हो गया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चलो बीज वगैरह कुछ तो आदमी को राहत दिलाओ आप लोग जिम्मेदारों के लिए जितना हो सके। हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।